हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। वेलकम टू लिविंग बिट्स। हम शुरू करने जा रहे हैं अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एंड रिलेशंस। ओके, एंड रिलेशंस। ओके, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर किसी ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाके डिस्क्रिप्शन है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से देख सकता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट? क्या होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट? इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी आपको दो नॉन एम्प्टी सेट दिए गए हैं जिसमें कि कुछ एलिमेंट हैं, यानी कि एम्प्टी नहीं हैं वो, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच डैट ए कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है किससे, सेट ए से, और बी एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है सेट बी से, इज कॉल्ड द कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। उनको हम क्या कहेंगे? कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिसको डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। दस उसको किस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से हम उसे दिखाएंगे? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में सच डैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब क्वेश्चन उठता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स दो एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर दो एलिमेंट ए है और एक बी है, उसको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में वन बाय वन, ठीक है, आगे पीछे या असेंडिंग, मतलब ए बी या बी ए, कुछ ऐसे ऑर्डर में पेयर वाइज अगर मैं लिखता हूँ तो वो फॉर्म अन ऑर्डर्ड पेयर। तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एक ऑर्डर पेयर फॉर्म करते हैं। अगर मैं उनको ए कॉमा बी के फॉर्म में लिखूं या बी कॉमा ए के फॉर्म में लिखूं एक साथ, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एक ऑर्डर्ड पेयर, जिनको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय ए कॉमा बी। जैसे कि सपोज करिए कोई पोजीशन है, कहाँ पे? पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन आप समझा नहीं रहे होंगे, एक्स वाई प्लेन, टू डी प्लेन की यहाँ बात हो रही है, जहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। पोजिशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इज स्पेसिफाइड इन अ ऑर्डर्ड पेयर वे। जो पोजिशन होती है 2D कोऑर्डिनेट्स में, यानी एक्स वाई प्लेन में, उनको किस तरीके से स्पेसिफाइड किया जाता है? ऑर्डर्ड पेयर्स में। जैसे कि 1 4 1 4 क्या हमको बताता है कि 1, अगर मैं एक्स लाइन पे, यहाँ पे पॉइंट है एक्स से, और वाई पे कहाँ है? यहाँ पर है, यानी कि ये पॉइंट हमको बताता है, हमको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, हमको बताता है कि हमारा पॉइंट कहाँ पे है, इस जगह पे है। और फिर क्या है? 4 1। इस 4 1 से हमें क्या पता चलता है कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, जिसका पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो इस तरीके के ये जो पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग किस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में से, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नोट्स हैं, अब वो देखिए क्या क्या हैं। जैसे कि नोट 1 क्या बोलता है, इफ़ ए इज़ नल सेट, बी इज़ नल सेट, यानी कि दोनों क्या हैं? दोनों एक एम्प्टी सेट हैं। तो अगर मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, अगर ए क्रॉस बी निकालूं, तो मुझे क्या मिलेगा? एक एम्प्टी सेट ही मिलेगा, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है, एक ही चीज़ होते हैं। इफ़ सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब कि उसमें जो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हैं, यानी फाइनाइट हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? वो बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एन बी। ये एन ए क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, कार्डिनलिटी बताता है किसी सेट की। एन बी, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इन अ सेट, ठीक है, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इफ ए, थर्ड पॉइंट है, इफ ए और बी इज इनफाइनाइट, यानी कि ए या बी दो सेट में से कोई भी सेट अगर आपका इनफाइनाइट है, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट, ठीक, पॉइंट्स याद रखिएगा, आगे आपको काम में आएगा। इफ फोर्थ पॉइंट, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं हैविंग एन एलिमेंट्स, जिनमें क्या है? एन एलिमेंट्स हैं, इन कॉमन, देन एन एलिमेंट्स क्या हैं? कॉमन हैं उनमें, देन
ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन. तो उनमें ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए एंड यानी भी इंटरसेक्शन, उनमें कितने होंगे, कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे, एन क्रॉस एन स्क्वायर एलिमेंट उसमें कॉमन पाए जाएंगे, जिनको हम लोग कैसे लिखेंगे, एन एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर. ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे. जी हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग. अगर हमें दिया गया है ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो क्रॉस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन पे, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. सिमिलरली इंटरसेक्शन के साथ भी ऐसा ही होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. थर्ड पॉइंट, ए क्रॉस ब्रैकेट बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी. ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी. तो ए ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, एक बार इससे, ठीक है, और एक बार इससे, ठीक है, क्या होगा, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी. ठीक है, ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी से, वो इक्वल होगा किससे, बी क्रॉस ए से. कब, कब ये दोनों आपस में इक्वल तभी होंगे जब दोनों के एलिमेंट्स, जब ये ए और बी दोनों क्या हों, इक्वल सेट हों, दोनों क्या हों, इक्वल सेट हों. अगर दोनों इक्वल सेट हैं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे. यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ पे कंडीशन है, अगर ये होगा तो ये होगा और अगर ये होगा तो ये होगा. ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है ये. ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट और है कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं 1.4 इज इक्वल टू 1.4, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों कार्टेशियन, ये दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर हैं एक दूसरे के इक्वल हैं. ठीक है, और अगर 4.1 1.4 मिलता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं. कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू देखिए 4 है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है. इक्वल होने के लिए दोनों दोनों क्रॉसपॉन्डिंग, यानी कि दो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमारा, यानी कि ये वाला और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. सेकंड कोऑर्डिनेट भी इक्वल होने चाहिए, जैसे कि वन पहला वन है, सेकंड वाले में भी वन है, तो दोनों इक्वल हैं 1-1, और सेकंड वाले में भी 4 है और इस वाले में भी 4 है, तो दोनों पेयर्स क्या हैं, इक्वल है दोनों एलिमेंट्स. तो मैं तब बोल सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल ऑर्डर्ड हैं, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल ऑर्डर नहीं है, यानी कि ये दोनों पेयर इक्वल नहीं है. ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रिलेशंस के बारे में, कि क्या होते हैं रिलेशन. रिलेशन, लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं. देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी कि सेट ए से बी में, यानी कि सेट ए से बी में रिलेशन होगा, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी यानी कि आर जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, सबसेट ए क्रॉस बी का. दस आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ आर इज अ सबसेट ऑफ, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है, अच्छा तो अब इसमें क्या है, देखिए इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर कोई ए कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो कि बिलोंग करता है किससे, रिलेशन से. रिलेशन क्या है, रिलेशन एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का. तो ए कॉमा बी अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो कि बिलोंग करता है रिलेशन से, देन मैं ये कह सकता हूँ ए इज रिलेटेड टू बी. और कैसे इसे डिनोट करूँगा, ए आर बी, कैपिटल आर रहेगा बीच में. ठीक है, ए रिलेटेड टू, आर का मतलब रिलेटेड टू बी. उसी तरीके से इफ़ ए कॉमा बी
ए कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो कि रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसेट है आर उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ देन ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी, ए नॉट रिलेटेड टू बी। ओके नाउ व्हाट इज़ डोमेन, डोमेन क्या होता है, डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर, ऑफ आर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल एक्स वन एक्स टू एक्स वन वाई वन, इस तरीके से आप जानिए इसे। अभी मैं वैसे एग्जांपल लूँगा, मान लीजिए कि कोई क्रॉस प्रोडक्ट है जिसमें एक्स वन है वाई वन है, ठीक है, एक्स टू है वाई टू है और एक्स थ्री है वाई थ्री है, ठीक है, एक्स थ्री है वाई थ्री है, तो जितने भी x1 होंगे x2 होगा x3 होगा, ये तीनों को क्या बोलेंगे हम लोग, ये तीनों को हम बोलेंगे डोमेन, ठीक है, और y1 y2 y3 इसको क्या कहेंगे रेंज, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा, ओके रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट, यानी कि y1 की बात कर रहा है y2 y3 y डॉट डॉट yn का, ठीक है, yn की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रेंज सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर, एलिमेंट ऑफ आर डोमेन किसे कहेंगे, कैसे उसको सेट बिल्डर में लिखेंगे, डोमेन डोमेन आर आर आने के क्या रिलेशन, मतलब डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू ए सच डैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि ए एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे डोमेन बोलेंगे और ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करेगा रिलेशन से। सिमिलरली रेंज B such that A कॉमा B belongs to R, B जो होगा A कॉमा B में ऑर्डर पेयर में जो B वाला सेकेंड कोऑर्डिनेट है उसको रेंज बोलेंगे और किससे बिलोंग करेगा R से, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे पे, दूसरे थर्ड पेज पे आते हैं, थर्ड पेज पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल है देखिए, सपोज करिए आपकी क्लास में थ्री बॉयज़ हैं, अंकित राहुल बीनू, ठीक है, और एक क्लास बी है जिसमें तीन लड़कियां हैं अंजलि रिया दिव्या, ठीक है। अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, अंकित के साथ अंजलि, अंकित के साथ अंजलि, ठीक है, फिर अंकित के साथ रिया, अंकित के साथ दिव्या, अंकित अंजलि, अंकित रिया, अंकित दिव्या, ठीक है, हो गया। अब बचे क्या, राहुल राहुल अंजलि, ठीक, राहुल रिया, राहुल दिव्या, ओके, फिर बीनू अंजलि, बीनू अंजलि, बीनू रिया, बीनू दिव्या, ठीक है। तो ये देखिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे इसके, जितने भी इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स से जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट बना सकता था मैंने बना दिया, ठीक है, कितने टोटल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीन एलिमेंट्स में थे, तीन एलिमेंट्स इसमें थे, तो तीनों के साथ मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट बना लिया ए क्रॉस बी। अच्छा अब देखिए, अब इसमें से एक सबसेट आता है, ठीक है, इसमें से एक सबसेट आता है आर, आर क्या है, कोई रिलेशन है, क्या है, वेंट्स, वेंट्स का रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन निकाला गया है इनमें से। अब देखिए इसमें क्या है, अंकित रिया, अंकित रिया, ठीक है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, राहुल दिव्या, राहुल दिव्या हैं जी, बिल्कुल हैं, ठीक है, देखिए अंकित रिया हैं, राहुल दिव्या हैं, ठीक है, और क्या है, बीनू अंजलि, बीनू बीनू कहाँ गया, बीनू अंजलि। अब देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बता रहा है, वेंट्स का, वेंट्स का, वेंट्स का, ठीक है। अच्छा इनमें डोमेन क्या होंगे, जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पर्सन है, यानी कि जो भी फर्स्ट यानी कि क्लास ए से बिलोंग कर रहे होंगे उनको हम डोमेन कहेंगे, यानी कि अंकित राहुल बीनू, ये क्या है, डोमेन, ठीक है। और जितने भी सेकेंड कोऑर्डिनेट के होंगे यानी कि क्लास बी से जो बिलोंग कर रहे होंगे रिया दिव्या अंजलि, उनको क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, को मैं क्या कहूँगा, बाइनरी रिलेशन, ठीक है। अच्छा वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन क्या होता है, कोई एम्प्टी एम्प्टी रिलेशन है, एम्प्टी इज़ अ रिलेशन ऑन ए, कोई एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है, किसमें, ए में, जो कि क्या है, सबसेट है, किसका, ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का, ठीक है, ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है। इस तरीके के रिलेशन को क्या हम लोग कहते हैं, वॉइड रिलेशन, यानी कि एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कोई किसी तरीके का ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे, यानी कि वो खाली होगा। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, सेकंड,
ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस ए कोई है, ठीक है, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो कि सबसेट है किसका, खुद ही का, ए क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस ए इज द रिलेशन ऑन ए, तो इस टाइप का जो रिलेशन निकलेगा, इस टाइप का जो रिलेशन निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है आपके पास, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन किसे बोलते हैं, आई ए इक्वल्स टू, ये कोई रिलेशन का नाम दिया गया है यहाँ पे, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी आई ए लिख दिया गया है, इक्वल्स टू ए कॉमा ए, ए कॉमा ए क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है किसका, सच डैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक, ए बिलोंग्स टू सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ठीक है। वेट, हाँ, समथिंग इज ओके नाउ, जैसे कि ए कोई सेट है, इसमें लिखा है एलिमेंट है 1, 2, 3, क्या है, तीन एलिमेंट है सेट ए में। अगर मैं उन्हीं का ए क्रॉस ए करूं, ए क्रॉस ए करूं, ठीक है, तो क्या आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, ये आ गया हमारा क्या, ए क्रॉस ए का, ठीक है। और उसी में से फिर एक रिलेशन निकालूं, उसमें से क्या निकालूं, एक रिलेशन निकालूं, क्या आई ए, जिसमें 1, 1 यानी कि एक्स और वाई दोनों एलिमेंट क्या हैं, इक्वल हो, हाँ, और जितने भी एलिमेंट्स जिसमें ए और बी की वैल्यू, यानी कि दोनों क्या हों, यहाँ के दोनों, मतलब दोनों पेयर, दोनों कोऑर्डिनेट क्या हों, इक्वल हों, दोनों कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये जो रिलेशन निकल के आया है, ये जो रिलेशन निकल के आया है, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा आइडेंटिटी रिलेशन, ओके ओके। इनवर्स रिलेशन कैसे कहते हैं, इफ आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए, If R कोई रिलेशन है किसमें, A में, then R inverse on A defined by R inverse equals to B comma A such that A comma B belongs to R. A comma B belongs to R. This type of relation is called inverse relation on A. क्या होगा, B comma A, B comma A such that A comma B belongs to R. अब इसको समझिए किसी एक एग्जाम्पल से, कि A is ए कोई सेट है 1, 2, 3, ए क्रॉस ए दिया गया है आपको कार्टून, यानी कि ए क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, क्या आता है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 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
वन, थ्री कॉमा टू, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वन इज़ रिलेटेड टू टू, टू इज़ रिलेटेड टू टू, थ्री इज़ रिलेटेड टू वन, थ्री इज़ रिलेटेड टू टू। और इसी में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, तो जितने भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे जो एलिमेंट्स होंगे वही उसके डोमेन होंगे, यानी कि वन टू थ्री, थ्री यानी कि वन टू थ्री, वन टू थ्री। और रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर जितने भी सेकेंड कोऑर्डिनेट में होंगे टू टू वन टू, यानी कि वन टू वन टू। तो इनवर्स कैसे मैं निकालूँगा, इनवर्स कैसे मैं निकालूँगा, इनवर्स मैं निकालूँगा आर इनवर्स इक्वल्स टू क्या एलिमेंट दिए गए हैं यहाँ पे, टू वन टू, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, टू वन, टू को टू को रिवर्स कर दीजिए टू टू, थ्री वन को रिवर्स कर दीजिए वन थ्री, थ्री टू को रिवर्स कर दीजिए टू थ्री, टू थ्री। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया आर इनवर्स। अब एक चीज़ देखिए, इसमें एक फैक्ट है क्या, अगर मैं आर इनवर्स का क्या करूँ, आर इनवर्स का अगर मैं निकालूँ डोमेन, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है टू, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, डोमेन क्या निकलेगा इसका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जितने भी होंगे वो टू टू वन टू, यानी कि वन टू डोमेन आर इनवर्स। और रेंज निकालो तो वन टू थ्री थ्री, रेंज निकालूँ अगर आर इनवर्स का वन टू थ्री। तो आप नोटिस करिए कि आर का डोमेन आर इनवर्स के रेंज के इक्वल है, ठीक है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज, रेंज ऑफ आर इनवर्स।
और उसी जगह आर का रेंज रेंज ऑफ आर यानी कि सेट 1,2 इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। ओके।